बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं मेथी के लड्डू बना रही हूँ। मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो नारियल खुरच के लिए हूँ, 400 ग्राम गुड़ है और 1.5 किलो सूजी है और एक मेथी का आटा है। पिसी हुई सूखी मेथी को मैंने भून के पीस के रखी हूँ और ये गेहूँ का आटा है, 1.5 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून। ये बादाम पिस्ता है और ये गोंद है, इसको हम फ्राई करके लेंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं, तीनों गैस ऑन करते हैं। टू 50 ग्राम मैंने रवा ली हूँ। पहले हम घी डालेंगे, 2.5 चम्मच मैंने घी डाली हूँ। इसमें मैं रवा डालूंगी और धीमी आंच पे उसे अच्छे से गर्म करूंगी। दूसरे गैस पे हम यहाँ भी मैं घी डालूंगी। और जो खुरचा हुआ नारियल है वो यहाँ पे भुनने रखेंगे। यहाँ पे हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद फ्राई होने के बाद हम उसे बारीक करेंगे। अब तीनों गैस पे हम चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ रवा भी भून रहा है और यहाँ नारियल भी भून रहा है। ये होने के बाद फिर हम गुड़ को पकने रखेंगे। गोंद हमारा फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे बारीक करेंगे। और उसी फ्राई पैन में मैंने जो आटा ली थी गेहूँ का वो भी इसमें गर्म की हूँ। ये नारियल है, ये भी अभी तक बाकी है, भुनने का बाकी है और रवा भी भुनने का बाकी है। तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इस रवे को भुनी हुई, अभी अच्छी खुशबू आ रही है। रवा हमारे भुन चुका है और नारियल भी हो गया है। एक गैस ऑफ करती हूँ। अब रवे में मैं मेथी का आटा पाउडर डालूंगी, 2 चम्मच। भुनी हुई मेथी का मैं पाउडर बनाई हूँ, इसलिए उसे भुनने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आटा भून के रखी थी ये भी मिक्स करूँगी। इसे साइड में करते हैं और हम गुड़ पकाने रखेंगे। इसमें भी 1 चम्मच में घी डालूंगी, 1 टेबल स्पून। तो तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा घी यूज हुआ है। Thank you.
पिघल जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स करूँगी। इसका कच्चापन जाने तक मैं इसको पकाऊँगी। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा पक चुका है, इसका कच्चापन भी गया, अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें नारियल और रवा जो भून के रखे हैं वो सब मिक्स। मेथी की पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना कड़वा चाहिए उतना डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून डाली हूँ। ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, बादाम, पिस्ता, किशमिश और चारुल है, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो भी, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। हम गैस ऑफ करते हैं, उसे तो बर्तन को नीचे उतारते हैं। ये जो मैंने कौन फ्राई करके रखी हूँ ये भी मिक्स करते हैं। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तरह से हम लड्डू बनाएंगे। मेथी के लड्डू बनके तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मेरे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।